मणिपुर हिंसा सरकार के लिए सिरदर्द बन गई है। करीब 18 महीने से नगा, कुकी और मैतेई समुदाय आमने सामने हैं और जाति हिंसा में आगजनी, बवाल और हत्याओं का सिलसिला थमा नहीं है। इसके पीछे नगा मूवमेंट, कुकी लैंड और मैतेई जातीय आंदोलनों की कहानी भी जुड़ी है। जानिए कैसा रहा मणिपुर का इतिहास, इसके बारे में बात करेंगे। मणिपुर हिंसा की शुरुआत 3 मई को उस समय हुई जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इसी रैली में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच झड़प हो गई जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गई। ये रैली मैतेई समुदाय की ओर से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाली गई थी। इस हिंसा के पीछे मैतेई समुदाय की ओर से की जा रही थी आरक्षण की मांग और नगा कुकी तरफ से इसके विरोध को माना ही जा रहा था। वहीं मणिपुर में किस समुदाय की कितनी आबादी है यह भी बड़ा सवाल है। दरअसल मणिपुर में मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं। पहला मैतेई, दूसरा नगा और तीसरा कुकी। इनमें नगा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं, जबकि मैतेई गैर आदिवासी है। मैतेई समुदाय की आबादी यहाँ 53% से ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं। वहीं नगा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है और वो पहाड़ी इलाकों में बस। मणिपुर में विवाद क्यों है ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी पर ही सारी हिंसा चल रही है। मणिपुर में एक कानून है जिसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बस सकते हैं, क्योंकि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते। जबकि नगा और कुकी जैसे आदिवासी समुदाय चाहें तो घाटी वाले इलाकों में जाकर रह सकते हैं। अब नगा कुकी समुदाय को इस बात की चिंता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो उन्हें पहाड़ी इलाकों में रहने और बसने की कानूनी इजाजत मिल जाएगी। ऐसे में उन्हें अपनी जमीनें छीनने का डर है। अब सवाल यह है कि मणिपुर में जाति संघर्षों का इतिहास क्या है। मणिपुर में हिंसक विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन 3 दशकों में ऐसी हिंसा पहली बार देखने को मिल रही है जब राज्य में 2 जातीय समूहों के बीच सीधी झड़प हो रही है। मणिपुर को पहले कांगली पाक के नाम से जाना जाता था जब ये ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। उस समय यहाँ उत्तरी पहाड़ियों से आने वाले नगा जनजातियों द्वारा बार बार हमला किया जाता था। अब मणिपुर हिंसा के पीछे की वो 3 आंदोलनों की कहानियों की बात करेंगे जिस पर यह पूरी हिंसा हो रही है। कहाँ से आया कुकी जोमी समुदाय, ये पहला सवाल है। ऐसा माना जाता है कि मणिपुर में ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट ने मैतेई और नागाओं के बीच एक बफर के रूप में काम किया और घाटी को लूट से बचाने के लिए बर्मा की कुकी चिन पहाड़ियों से कुकी जोमी समुदाय को लेकर आए थे। कुकी नागाओं की तरफ भयंकर शिकारी योद्धा थे और महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के किनारे जमीन दी जहां वे नीचे इंफाल घाटी के लिए ढाल के रूप में सुरक्षा दे सकते थे। दूसरा सवाल यह है कुकी मैतेई में विभाजन कब हुआ। पहाड़ी समुदायों और मैतेई लोगों के बीच जातीय तनाव पहले से ही चलता आ रहा है। इस बीच 1950 के दशक में नगा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ और स्वतंत्र नगा देश की मांग की जाने लगी, जिससे विवाद और बढ़ गया। मैतेई और कुकी जोमी समुदाय ने नगा आंदोलन का मुकाबला किया। तीसरा सवाल, कुकी लैंड के लिए आंदोलन क्यों। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड यानी NSCN सबसे बड़ा नगा विद्रोही संगठन है। 1990 के दशक में जैसे ही NSCN IM ने आत्मनिर्णय के लिए ज्यादा जोर दिया तो कुकी जोमी समूहों ने सैन्यकरण करना शुरू कर दिया और कुकी ने कुकी लैंड के लिए अपना खुद का आंदोलन शुरू कर दिया। भले ही कुकी ने मैतेई लोगों के रक्षक के रूप में आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन कुकी लैंड की मांग ने दोनों समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी। 1993 की नगा कुकी झड़प हुई। 1993 के नगा कुकी संघर्ष के दौरान NSCN IM का कैडर कथित तौर पर उन क्षेत्रों के एक गांव से दूसरे गांव गया जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे नागाओं के हैं और उन्हें कुकी निवासियों से खाली करवा दिया है। कई कुकी जोमी लोगों के प्रभुत्व वाले जिले चूरा चांदपुर में भाग गए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में वो था कि मणिपुर हिंसा के पीछे वो 3 आंदोलन क्या हैं जिसकी वजह से ये पूरी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और मणिपुर हिंसा पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। देखते रहिए ABP Live।